राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को रवाना करेंगे। उदयपुर से जयपुर तक चलने वाली ट्रेन में 3 स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता की गाथा दिखाई जाएगी। मेवाड़ की धरती पर जन्मे इन सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में विशेष योगदान दिया। शाहपुरा के बारहाट परिवार के तीनों वीरों से ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी। इनमें से शहीद केसरी सिंह बारहाट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय से वो सशस्त्र क्रांति की तैयारी में जुट गए थे। उनके छोटे भाई जोरावर सिंह ने तो स्वाधीनता आंदोलन के लिए महलों का आराम छोड़ दिया। जोरावर वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंकने से चूक गए थे। 36 साल तक अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके। केसरी सिंह बारहाट के बेटे प्रताप सिंह लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंकने के दौरान अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ थे। जोरावर का पता जानने के लिए प्रताप सिंह को काफी यातनाएं दी गईं। उन्हें बरेली की सेंट्रल जेल में भेजा गया, जहां वो अंग्रेजों की प्रताड़ना में शहीद हो गए। क्रांतिकारियों की कहानी को शाहपुरा के संग्रहालय से इकट्ठी की जाएगी। इसके लिए रेलवे मंडल की ओर से प्रपोजल शाहपुरा संग्रहालय को भेजा गया है। ये राजस्थान के लिए पहली बार गौरव का विषय है कि जब वंदे भारत ट्रेन में पहली बार मेवाड़ के इन तीनों क्रांतिकारियों की कहानी को LED पे प्रस्तुत किया जाएगा। इस वंदे भारत ट्रेन का सबसे बड़ा रूट मेवाड़ है। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली ट्रेन का 8 स्टेशनों पर ठहराव होगा। ट्रेन के चलने से नाथद्वारा, अजमेर और भीलवाड़ा आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। दैनिक भास्कर के लिए भीलवाड़ा से रावत प्रवीण सिंह की रिपोर्ट।